स्त्री को ही जगत जननी और गृहिणी का अधिकार क्यों प्राप्त है? क्या कारण है इसके पीछे का और क्या रहस्य है? जानते हैं, प्राण के जो जीवन चक्र है उसके 7 चक्र होते हैं। तीसरा चक्र नाभि चक्र और चौथा चक्र हृदय चक्र। चौथा चक्र जिसमें आत्मा राम विराजमान रहते हैं वह सभी का जागृत होता है, परंतु स्त्रियों का सबसे ज्यादा जागृत होता है। वह बहुत कोमल होती है। पुरुष जो है कामुक होता है, परंतु स्त्रियां नहीं। पुरुष अनेक संबंध बनाएगा, कामुक रहने की 24 घंटे इच्छा होती है, परंतु स्त्रियों की नहीं। यह कारण है हृदय चक्र का जागृत होना। यह सभी के जागृत होते हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, हमारी माता है, बहन है, पत्नी है, पुत्री है, सभी का यह चक्र जागृत रहता है। अगर हृदय चक्र जागृत ना हो तो इस संसार की स्थिति ही खराब हो जाए। आप जानते हैं कि पुरुष कहता है कि वह गृहस्थ जीवन बिताना चाहता है, इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। पुरुष आदिवासी है, जंगली है, उसे घूमना फिरना इसी में आनंद की प्राप्ति होती है। आज भी अगर आप देखें कि पुरुषों का समूह कहीं ना कहीं घूम रहा हो, घर में उनका मन नहीं लगता। कारण हृदय चक्र चौथा चक्र जो जागृत नहीं होता, परंतु स्त्रियों का यह जागृत होता है, तो वह एक खूंटे से बंध जाती है। थोड़े से प्रेम में भी संतोष कर लेती है, एक घर में रह ले, बच्चों में खुश रहती है, अपने पति बेटे बेटा वही उनका संसार होता है। पर तो पुरुष जो है वह भिन्न होते हैं। उन्हें आनंद की प्राप्ति के लिए आज भी, अब तो जंगल बचे नहीं हैं, इसलिए गाड़ियों में घूमते हुए मिल जाएंगे, किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर मिल जाएंगे, परंतु यहां पर विराजमान स्त्रियां सबसे ज्यादा होती हैं। तीसरे चक्र के कारण, नाभि चक्र के कारण परमात्मा कभी कुछ छीनते हैं उससे बढ़ा देते हैं। स्त्रियों के दिल में भय होता है और भय से विजय प्राप्त करने के लिए हृदय चक्र भगवान ने जागृत किया हुआ है, अत्यधिक वह स्त्रियों का है। स्त्रियां समागम में सबसे ज्यादा होंगी, मंदिर में होंगी, आश्रमों में रहती हैं, क्योंकि उन्हें एक भय सताता है कि मेरा प्रेम मेरा घर कहीं छूट न जाए। पुरुष निर्भय है, वह जानता है कि यहां नहीं तो वहां काम चल ही जाएगा, परंतु स्त्रियां ऐसी नहीं होती हैं।
स्त्रियों का जो हृदय चक्र है ज्यादा सक्रिय होने की वजह से उन्हें माता का स्थान मिला हुआ है, परंतु आज भी पुरुष जंगली के जंगली ही है, वैग्रस्त रहना ही नहीं चाहते। कोई बहाना मिल जाए तो वह घर छोड़ देंगे। आप ज्यादातर देखेंगे कि परेशान होकर ज्यादातर साधु जो है वह पुरुष ही बनते हैं, स्त्रियां नहीं। कारण यही है कि उनका हृदय चक्र जागृत नहीं होता। अगर सामान्यता बनानी है तो अपने तीसरे चक्र और चौथे चक्र को जब तक जागृत नहीं करोगे जीवन में परेशानियां आती रहेंगी। आप जानवर से मनुष्य बन सकते हैं पुरुष, अगर अपने हृदय चक्र को जागृत करेंगे। कौन चाहता है कि जंगल में जाकर बंदरों की तरह उछल कूद की जाए? नहीं चाहते ना आप लोग? नहीं, अपने चौथे चक्र को, हृदय चक्र को जागृत कीजिए। आपको आपके घर में ही सुख शांति समृद्धि सब कुछ मिलेगी। जो मनुष्य के प्राण हैं वह इन सात चक्रों से होते हुए जाते हैं, सात चक्रों में होते हुए आते हैं, और घर में सुख शांति समृद्धि तभी आएगी जब अपने आप को स्वयं को पहचानो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूं? सभी लोग यही प्रश्न करते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, परंतु यह विडंबना है कि वह सत्य नहीं है। जब तक सत्य को नहीं पहचानोगे तब तक दुख का कारण बने रहोगे, अन्यथा सुख ही सुख है आपके जीवन में, दुख का तो नामो निशान ही नहीं है। तो आज भी टाइम है, जब जागो तभी सवेरा, तो आज ही निर्णय लीजिए और अपने सातों चक्रों को जागृत कीजिए और जीवन को खुशहाली से भर दीजिए।